Hello friends, welcome to Mobile Gaming Junction. First of all, congratulations to all who are selected for interview. और जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए इंटरव्यू के लिए उनके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे इंतज़ार कर रही है. तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की ओर. हाउ टू क्रैक टी सी एस एन क्यू टी निंजा हायरिंग इंटरव्यू. यहाँ पे जिन जिन को टी सी एस का हायरिंग सिलेक्शन इंटरव्यू प्रोसेस का मेल आया है और जिनके मेल में टी सी एस एन क्यू टी निंजा हायरिंग यू विल बी इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू विद टी सी एस मेंशन किया है, उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने वाला है. और अभी क्या मीन्स अभी तक उनका शेड्यूल फिक्स नहीं हुआ है. मे बी इस मंथ में इस मंथ के एंड तक सभी के इंटरव्यू हो जाएंगे. और जिनको मेल नहीं आया है थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आगे मेल आ सकता है उनके लिए भी. तो चलिए बढ़ते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, किस किस चीज़ की स्टडी होनी चाहिए आपके पास. तो हम देखते हैं आगे के पॉइंट्स में. यहाँ पे हमने स्टडी करके कुछ गोल्डन पॉइंट्स निकाले हैं, गोल्डन पॉइंट्स फॉर इंटरव्यू. तो इनमें क्या है, बेसिकली जो हमने स्टडी किया है और जितने भी हमने इंटरव्यू दिए उससे हमको ये पॉइंट्स कवर होना चाहिए पता चला है. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस. जो कॉन्फिडेंस क्या होता है, मीन्स आप एच आर राउंड के लिए जा रहे हो, टी आर राउंड के लिए जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, तो आपको इतना याद रखना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सही होना चाहिए. मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. क्योंकि मीन्स आप खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस से दीजिए. मीन्स यहाँ वहाँ की बातें मत कीजिए, अच्छे से दीजिए, अच्छे से बैठिए. आपके बिहेवियर में, आपके एक्सप्रेशंस में, आपके बातों में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. कभी कभी क्या होता है, वो क्वेश्चन कुछ अलग पूछते हैं और आंसर कुछ अलग देते हो लो कॉन्फिडेंस की वजह से, या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है, वो क्वेश्चन कुछ अलग पूछते हो और आप कुछ एक्स्ट्रा का ही आंसर में बता बैठते हो, जिसकी वजह से क्या होता है वो और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. तो उड़ता तीर हाथ में मत लीजिए, क्योंकि मीन्स जो बातें आपको आती है वहाँ तक ही आप बताइए. मीन्स आपको मीन्स पूछा गया है क्लासेस के बारे में, आप ऑफसाइड क्लासेस के बारे में बता रहे हो जो कि आपको आता नहीं है अच्छे से, तो जितना पूछा है उतना ही आंसर दीजिए. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आता है आपकी स्टडी से, आपके रीडिंग से, आपके नॉलेज से कॉन्फिडेंस गेन होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एक्सपीरियंस है. तो आपके दोस्तों के साथ या मिरर में देखिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन निकालिए, उसके आंसर बताइए फ्रेंड्स को. तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करिए या ग्रुप डिस्कशन कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. यहाँ पे सेकंड पॉइंट है बेसिक नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स. यहाँ पे आपके जो कोर सब्जेक्ट है, ये जावा, सी प्लस प्लस, सी, जो आपके कोर सब्जेक्ट है आपको उसका एक बेसिक नॉलेज गेन कीजिए. जैसे पॉइंटर हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, उप्स कम सेट, डिफरेंसेस, उनके क्या डिफरेंस है सी प्लस प्लस में और जावा में, जो बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, लूप्स, एरेज, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए. टी सी एस की जो लास्ट के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन थे उनमें एरे का ही इस्तेमाल हुआ था और लूप्स का हुआ था, तो इतना याद रखिए कि जो लास्ट के क्वेश्चन थे उसी तरह आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे. तो मीन्स प्रिपेयर रहिए क्वेश्चंस के लिए, पूछेगा नहीं बट पूछ भी सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पूछेगा नहीं. तो उनको रखा ही है एच आर राउंड के लिए, टी आर राउंड के लिए पूछने के लिए क्वेश्चंस. तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं. एक आधा दिन भी दे दिया आपने आपके कोर लैंग्वेज को, तो हो जाएगा उसका बेसिक नॉलेज का प्रिपरेशन. आपके पास बहुत सारे वेबसाइट है, आप कहाँ से कहीं से भी रेफर कर सकते हो, बुक से रेफर कर सकते हो, या आपकी जो फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है वहाँ से रेफर कर सकते हो. जहाँ से आपको अच्छी तरह से समझे वहाँ से आप रेफर करके स्टडी कीजिए. और थर्ड और लास्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रीफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट. क्या होता है, आप मीन्स टी आर राउंड में क्या पूछा जाता है, जो प्रोजेक्ट आपने आपके रिज्यूमे में मेंशन किए हैं मीन्स जैसे एकेडमिक प्रोजेक्ट होता है, या आप किसी हैकेथॉन या किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन करते हो, तो वहाँ के प्रोजेक्ट्स, या आपने आपके रिज्यूमे में कुछ मेंशन किया हो, तो मीन्स वो जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में पूरा नॉलेज गेन कीजिए, उसकी इन डिटेल इंफॉर्मेशन निकालिए. उस प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था, उस रोल के बारे में नॉलेज गेन कीजिए, उसकी इंफॉर्मेशन निकालिए.
उसके ऊपर स्टडी कीजिए, उसका प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। मीन्स आपको अगर एक आधे मीन्स नॉलेज कोर सब्जेक्ट के बारे में एक आधा आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट आपने जो किया है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट में रोल क्या था, आपने कौन सा काम किया है प्रोजेक्ट में, उसका इस यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं उस प्रोजेक्ट्स के, और क्या मीन्स प्रोजेक्ट इंडियडली क्या है, उसका डेटाबेस कौन सा है, या मीन्स कौन सी टेक्नोलॉजी पर प्रोजेक्ट बना बना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो मैं एंड्रॉयड के बारे में मुझे सब पता होना चाहिए, मीन्स उस एंड्रॉइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एजी के क्या होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। एंड्रॉइड एंड्रॉइड की फोर्सेस क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है, वैसे आपको जावा का पता होना चाहिए या सी प्लस प्लस की सी की जो आप जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका सब कुछ आपको पता होना चाहिए इन डिटेल। तो इतना ध्यान में रखिए, अगर आपने प्रोजेक्ट कहीं से खरीद भी लिया हो तो आपको ये आना ही चाहिए। एंड मैं खुद एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं एकेडमी के लिए जावा पाइथन एंड एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट बना के बेचता हूँ मार्केट रेट से बहुत कम प्राइस में। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको चाहिए, या बिजनेस के लिए आपके बिजनेस के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर या कुछ भी चाहिए ऑनलाइन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन चाहिए तो वो भी आपको बना के मिलेगा। तो और लास्ट में इतना ही याद रखिए कि आपने मीन्स TCS का NQT एग्ज़ाम क्रैक किया है, इसका मतलब आप कैपेबल हो, आपके पास इतना नॉलेज है, इसलिए आपने आप वो क्रैक कर पाए हो। तो टेंशन मत लीजिए, बी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एंड जाइए, खुद पे विश्वास रखिए कि आप कर सकते हो, तो इसमें आप कर सकते हो, मुझे पता है, इसमें कोई बात नहीं है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू, थैंक यू सो मच।